कर ही लिया है। रह रह के नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार की गालियों का प्रयोग उनके उच्च नेता, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं, हर दिन टीवी में देखने को मिल रहा है। इट हैज बिकम अ यूजुअल प्रोसीजर, इट हैज बिकम एन इश्यू ऑफ कॉमन ऑक्रेंस, अ न्यू नॉर्मल एज फार एज कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न्ड। बंधुगण, रावण के विषय में सुना था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आदरणीय मोदी जी को रावण कह के संबोधित किया था, तो एक बहुत बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद और कर्नाटक के दिग्गज नेता बी एस उगरप्पा जी ने मोदी जी को अभी भस्मासुर कहा है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी भस्मासुर हैं और पूरे हिंदुस्तान को और बच्चों के भविष्य को, वो भारतवर्ष को भस्म करने में लगे हुए हैं, उसे डिस्ट्रॉय करने में, उसे बर्बाद करने में लगे हुए हैं और एक असुर हैं, भस्मासुर हैं। आप सोचिए किस प्रकार का भाषा है ये। भस्मासुर, अपने प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करना। बंधुगण, आज अखबार में एक बहुत ही सुखद खबर है। G20 चल रहा है और G20 के पूरे इस प्रकरण के आरंभ में ही US के राष्ट्राध्यक्ष बाइडेन साहब ने कहा है कि मैं अपने दोस्त मोदी के साथ खड़ा हूं और G20 में जो भी समर्थन हमारा रहेगा, हम सब मिलकर आगे काम करेंगे। एक तरफ पूरा विश्व, द होल ग्लोब स्टैंड्स विद नरेंद्र मोदी, एक तरफ पूरा विश्व आज मोदी जी का लोहा मान रहा है और किस प्रकार से हम अपने प्रधानमंत्री को लेकर आगे बढ़े इस पर पूरा विश्व आज चिंतन कर रहा है, मगर उसी समय कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मोदी जी के लिए, ये अपने आप में बहुत ही दुखद है और चिंतनीय है। रावण खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खुद के बहुत निकट के पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी के, और याद होगा आपको, ये सांसद वो हैं जिन्होंने गलती से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना माइक ऑन रख लिया था बीएस उग्रप्पा साहब ने, और उसमें कांग्रेस के सारे काले कारनामे मीडिया के सामने उजागर हो गए थे। गलती से पीसी से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो बोल रहे थे कि ये डीके शिवकुमार तो 100 करोड़ रुपए ले गया है, मगर फलाना फलाना ये तो कमीशन खाता है। ये सारी चीजें उनकी खुद के पीसी में रिकॉर्ड हो चुकी। तो ये वो बीएस उग्रप्पा जी हैं जिन्होंने अब मोदी जी को भस्मासुर कहा है। रावण कह लिया, दुर्योधन कह लिया, भस्मासुर कह लिया, मोदी नीच इंसान है यह भी कह लिया, मोदी यमराज है यह भी कह लिया, सोनिया जी ने तो खुद कहा था मोदी जी मौत का सौदागर हैं, मोदी जी को कॉकरोच कह लिया, मोदी जी को चूहा कह लिया, नपुंसक कह लिया, औकात दिखा देंगे गुजरात में यह भी कह दिया है और चोर भी कह दिया है। पूरी फहरिस्त है मेरे सामने, मगर आज मैं कहना चाहता हूं कि 100 गाली पूरे हो चुके हैं, 100 गाली पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपने आप को शिशुपाल के रूप में प्रस्तुत किया है। अब समय आ चुका है जब गुजरात की जनता और हिंदुस्तान की जनता, जो जनार्दन है, जनार्दन माने कृष्ण है, जनता ही कृष्ण है, जनता ही जनार्दन है, अब हम आह्वान करते हैं जनता से, जनार्दन से और कृष्ण से कि वो लोकतंत्र रूपी चक्र धारण करके ऐसी पार्टी का लोकतांत्रिक रूप से समापन करे। 100 गालियां कांग्रेस ने दे दिया है, 100 गालियां गिनती के साथ, रावण, दुर्योधन, भस्मासुर, चोर इत्यादि कहते हुए, मौत का सौदागर, 100 गालियां पूरी हो चुकी है। अब जनता जनार्दन, जनता ही कृष्ण है और भगवान कृष्ण बन के जनता अब सुदर्शन उठा करके, लोकतांत्रिक सुदर्शन उठा करके, लोकतांत्रिक तरीके से ईवीएम के माध्यम से गुजरात में और पूरे हिंदुस्तान में जवाब देगी कि गाली देने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता है, कोविड में वैक्सीन देने वाला बड़ा होता है। वो व्यक्ति कभी भस्मासुर हो ही नहीं सकता है जिसने 80 करोड़ जनता को राशन दिया, गुजरात में 4 करोड़ लोगों को राशन दिया है। वो व्यक्ति कभी भी भस्मासुर नहीं हो सकता है जिसने गुजरात के अंदर 11 लाख लोगों को आवास योजना के माध्यम से आवास देने का काम किया है।
वह व्यक्ति कभी भस्मासुर नहीं हो सकता है जिसने गुजरात के सौराष्ट्र में जहां पानी की कमी थी वहां मां नर्मदा से प्रार्थना करते हुए मां नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र में पहुंचाया और सौराष्ट्र को सिंचित करने का काम किया है, पल्लवित करने का काम किया है, वह कभी भी असुर नहीं हो सकता है। वह व्यक्ति कभी भी असुर नहीं हो सकता है जिसने बिजली और हर घर नल योजना के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों के हृदय को छूने का काम किया है, इसलिए वह भस्मासुर नहीं हो सकता। मगर आज मुझे कहते हुए आश्चर्य लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के शब्दकोश में केवल और केवल गाली है। बंधुगण, एक यह विषय था और दूसरा विषय भी उतना ही संगीन है, और दूसरे विषय को जरा तफसील से मैं रखूंगा ताकि आप सब इसे पूरी तरीके से समझ सकेंगे। ये केजरीवाल जी और ये मनीष सिसोदिया जी जो हैं दिल्ली में, ये जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिस प्रकार से कहानी के माध्यम से झूठ को सच बनाने की कोशिश करते हैं, ये हम सब जानते हैं। अभी चंद दिनों पहले केजरीवाल जी ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी को क्लीन चिट मिल गया है और ये जो एक्साइज पॉलिसी वाला घोटाला है ये कोई घोटाला नहीं है, क्योंकि सीबीआई ने और ईडी ने मनीष सिसोदिया जी के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्जशीट नहीं किया है। मैं अब 5 मिनट लूंगा और, मगर पूरी तरह से ये जो झूठ अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी बोल रहे हैं उसको यहां पर पर्दाफाश करूंगा और बिल्कुल बताऊंगा कि क्यों ये झूठ है। और आने वाले समय पर गाज क्यों मनीष सिसोदिया जी पे गिरेगी, ये मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा। जो एक्साइज पॉलिसी को स्टडी किया हुआ है, जिस व्यक्ति ने और जिन लोगों ने एक्साइज पॉलिसी को करीब से देखा है, उनके मन में किसी प्रकार का डाउट या संशय नहीं है कि गाज तो मनीष सिसोदिया जी जो कि एक्साइज मिनिस्टर रहे हैं और जिनके तत्वावधान में, जिनके गाइडेंस में ये पॉलिसी बनी है, गाज तो गिरेगा ही गिरेगा और वो कानून के आगे पेश होंगे ही होंगे। ऐसा क्यों है इसके विषय में बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मगर कुछ आज खुलासा करूंगा। पहले भी बीजेपी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। आप जानते हैं कि ये 32 पेज का एक रिमांड नोट है। ये जो 32 पेज का रिमांड नोट है, ये आज से कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले, एक अमित अरोड़ा, आप जानते हैं ये जो पूरा का पूरा शराब घोटाला हुआ, उसमें अमित अरोड़ा एक व्यक्ति है जिसने पैसा दिया, ये सारा काम अमित अरोड़ा ने भी किया है। तो इस अमित अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद हमें अमित अरोड़ा का रिमांड क्यों चाहिए, तो ईडी ने कोर्ट में ये सारा डॉक्यूमेंट रखा था कि क्यों चाहिए। तो उस डॉक्यूमेंट में जो 32 पेज का है, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो ये स्पष्ट करता है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो एक्साइज पॉलिसी में इन्वेस्टिगेशन है वो ऑनगोइंग है। नंबर एक, वो चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। नंबर दो, वो संगीन है, जो आरोप उसमें है वो बहुत ही संगीन है। और इतने सारे तार आके मनीष सिसोदिया के साथ जुड़ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन करके एक होलसम, मतलब एक पूरा डॉक्यूमेंट मनीष सिसोदिया पे फुल प्रूफ तरीके से तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा, मगर वो फुल प्रूफ होगा। अभी सीबीआई ने और ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया वो उन लोगों के खिलाफ था जो लोग गिरफ्तार थे या जिनको रिमांड में लेना था, जैसे कि किसको कस्टडी में रखा हुआ है, इनकी कस्टडी एक्सटेंड करनी है, तो एक टाइम लिमिट होता है, उसके अंदर आपको चार्जशीट फाइल करना पड़ता है, तभी आप उनको ज्यादा दिन रख के और पूछताछ कर सकते हैं। तो इसलिए ये कुछ लोगों के खिलाफ, 5-6 लोग जो गिरफ्तार थे, जो अंदर थे, जिनमें विजय नायर मनीष सिसोदिया का राइट हैंड है, अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं, और ऑफिशियल बंगलों में, जो विजय नायर है ऑफिशियल बंगलों में, मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर के बंगलों में रहते थे, आम आदमी पार्टी ने उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का बंगलो भी दिया हुआ था, तो उसमें रहते थे, ये लोग सब गिरफ्तार थे। तो चार्जशीट में इन लोगों का नाम है, इन सबके तार मनीष सिसोदिया से जुड़ रहे हैं। इसमें कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, एक तो मैंने जो बार बार कहा आपको कि मनीष सिसोदिया जी इससे छूट नहीं सकते, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है।
आप इसमें दो तीन बातें मैं मार्क करूंगा, आप इसको याद रखिएगा। पहला मैं कुछ तारीख बताऊंगा, पत्रकार सामने लिख रहे हैं वो तारीख आप लिख लेंगे क्योंकि इजी रहेगा। इसमें लिखा हुआ है कि एफआईआर नंबर सो एंड सो डेटेड 17/8/2022 वाज रजिस्टर्ड बाय सीबीआई एसीबी न्यू दिल्ली अगेंस्ट सी मनीष सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया जी का नाम पहली बार आता है कि 17 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के नाम पे एक एफआईआर दर्ज हुआ और ये सीबीआई और एसीबी न्यू दिल्ली ने किया है। नंबर इत्यादि दिया हुआ है, मैं डिटेल में नहीं जाता हूं। पहली बार मनीष सिसोदिया का नाम, डेट याद रखिएगा क्योंकि कुछ खुलासा करने वाले हैं 17 तारीख को। उसके बाद आप देखिएगा दूसरे पन्ने पे फिर से मनीष सिसोदिया जी का नाम आता है और फोर्थ पैराग्राफ में कोर्ट में सबमिट किया हुआ रिमांड कहती है कि जो ओएम, ओएम मतलब ऑफिस मेमो, द ओएम डिस्क्लोजेस दैट श्री मनीष सिसोदिया डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जीएनसीटीडी ऑफ दिल्ली श्री अरवा गोपी कृष्णन देन कमिश्नर एक्साइज जीएनसीटीडी दिल्ली और श्री आनंद तिवारी देन डेप्यूटी कमिश्नर दिल्ली श्री पंकज भटनागर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ दिल्ली वेयर इंस्ट्रूमेंटली रिकमेंडिंग एंड टेकिंग डिसीजंस पर्टेनिंग टू एक्साइज पॉलिसी फॉर द ईयर 21-22 विदाउट अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद एन इंटेंशन टू एक्सटेंड अनड्यू फेवर्स टू लाइसेंसीज। तो मनीष सिसोदिया का नाम नंबर एक पे आता है, बाकी कुछ लोगों का नाम आता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 21-22 में कैसा एक्साइज पॉलिसी तैयार किया जिसमें अनड्यू बेनिफिट कुछ लोगों को मिल सके उसके लिए षड्यंत्र रचा गया। तो इस कस्टडी नोट में भी मनीष सिसोदिया जी का नाम मौजूद है। दो तारीख फिर आप याद रखेंगे इसमें, एक तारीख है 20/7/2022 जब श्री विनय कुमार सक्सेना ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, उन्होंने इसको फ्लैग ऑफ किया था और एक लेटर लिखा था कि इस पर केस होना चाहिए। और 22/7/2022 दो दिन के बाद इस पर एफआईआर रजिस्टर किया गया, अर्थात ये जो पूरे मामले पर एफआईआर रजिस्टर करने का काम पहली बार 22/7/2022 को हुआ। तीसरी बार इसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम आता है, दूसरे पेज में ही आता है। इसमें लिखा जाता है बहुत लोगों का नाम है और आगे आता है दीज पीपल आर क्लोज एसोसिएट्स ऑफ श्री मनीष सिसोदिया आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एंड डाइवर्टिंग दी अनड्यू पेक्यूनरी एडवांटेजेस कलेक्टेड फ्रॉम लीगल लाइसेंसेस टू अक्यूज पब्लिक सर्वेंट्स। इसमें अमित अरोड़ा का भी नाम है, दिनेश अरोड़ा का नाम है, अर्जुन पांडे का नाम है। ये सारे लोग ये पैसा इकट्ठा करते थे और पैसा इकट्ठा करने के बाद ये आगे इस पैसा को बढ़ाते थे और इस पूरे प्रकरण में मनीष सिसोदिया जी का एक बहुत बड़ा हाथ था क्योंकि ये सारे लोग मनीष सिसोदिया के क्लोज लोग हैं, ये भी आप कस्टडी नोट में देख सकते हैं। फिर एक तीसरे पन्ने पर आता है कि इट इज रिवील्ड दैट दिल्ली एक्साइज पॉलिसी वॉज अ डिवाइस क्रिएटेड बाय द लीडर्स ऑफ आम आदमी पार्टी। ये एक डिवाइस था जो लीडर्स ऑफ आम आदमी पार्टी ने क्रिएट किया था टू रिसीव किकबैक्स लेने के लिए, घूस लेने के लिए और पैसे पाने के लिए डिवाइस क्रिएट किया था। तो ये लीडर्स कौन है भविष्य में बताऊंगा आपको। अब आप आगे देख सकते हैं, इसमें आता है GOM, ये पेज नंबर 5 में है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिसके अंतर्गत ये पूरी एक्साइज पॉलिसी बनी वाज हेडेड बाय हूम, मनीष सिसोदिया। तो ये पूरा जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है जिसके अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा था तो उसके हेड मनीष सिसोदिया है। तो स्वाभाविक है जब गलती आप करते हैं तो आपका जो हेड होता है जिसके निर्देश पर आप गलती करते हैं तो हेड के ऊपर ये सारा विषय जाता है। तो मनीष सिसोदिया जी का नाम दोबारा आता है GOM के माध्यम से कई जगह, इसी प्रकार आप देख सकते हैं, मैं आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि विषय पे आना है मुझे, कई जगह और GOM और मनीष सिसोदिया का नाम पेज नंबर 10 पे भी आता है कि GOM वेंट अगेंस्ट द सजेशंस ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी एंड द पब्लिक कमेंट्स। तो एक्सपर्ट कमिटी के खिलाफ में गया और पैसा पाने के उद्देश्य से मैलिफाइड इंटेंशन के माध्यम से मनीष सिसोदिया ने काम किया, यहां भी मनीष सिसोदिया जी का नाम आता है। आगे भी पेज नंबर 12 में मनीष सिसोदिया जी का नाम आता है कि पहले कैसे केवल 2% दिया जाता था कमीशन, मनीष सिसोदिया जी के कहने पर 12% कमीशन दिया जाने लगा और इसका एक बड़ा चंक जो है ये 6% घूस के रूप में आम आदमी पार्टी को ही, और मनीष सिसोदिया जी के कहने पर यह होता था, ये भी कस्टडी नोट में मेंशन्ड है। तो कहने का तात्पर्य है कि कस्टडी नोट में ये सारी चीजें मेंशन है और कैसे उसके कारण 2800
4 सितंबर 2020 जो थी उन्होंने रिपोर्ट अपना सबमिट किया 13 अक्टूबर 2020 को, ये रवि धवन जी की एक्सपर्ट कमेटी थी। फिर 31 दिसंबर 2020 को ये पूरा रिपोर्ट एक्सपर्ट कमेटी की पब्लिक के सामने प्लेस होती है कि पब्लिक अपना कमेंट दे वेबसाइट पे। फिर 5 फरवरी 2021 को ये सारे जो कमेंट पब्लिक से आए थे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने दिल्ली के मंत्रियों के सामने रखा जाता है। फिर उसी दिन 5 फरवरी 2021 को एक गवर्नमेंट GOM ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिसको मनीष सिसोदिया हेड करते हैं वो बनाया जाता है। और 22 मार्च 2021 को ये GOM मनीष सिसोदिया जी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। और 22 मार्च 2021 को ही मनीष सिसोदिया जी ये सारा विषय कि हमारी ये रिपोर्ट है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी रखते हैं। 5 जुलाई 2021 को ये पूरा का पूरा जो फाइनल पॉलिसी मनीष सिसोदिया बनाते हैं वो उसे अपलोड करते हैं वेबसाइट के ऊपर। मगर अभी जो कस्टडी नोट है उसमें बताया गया है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले बीजेपी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 5 जुलाई 2021 को तो मनीष सिसोदिया जी अपलोड करते हैं मगर 31 मई 2021 को 2 महीने पहले उसे लीक कर देते हैं। और इस कस्टडी नोट में उन 5 लोगों का नाम है जिनको मनीष सिसोदिया जी की तरफ से ये सारे लीक करके पहले ही एक्साइज नोट भेज दिया गया था, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। और फिर फाइनली ये जो एक्साइज पॉलिसी इंप्लीमेंट होता है 17 नवंबर 2021 को, 17 नवंबर 2021। और उसके बाद वीके सक्सेना साहब जो हमारे जी हैं दिल्ली के वो 20 जुलाई 2022 को फ्लैग ऑफ करते हैं इसमें गड़बड़ी है भैया जांच करिए। तो 17 नवंबर 2021 को ये इंप्लीमेंट होता है और 20 जुलाई 2022 को ये फ्लैग ऑफ होता है सेना द्वारा। और पहला FIR जैसे मैंने बताया 22 जुलाई 2022 को होता है और मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ पहला FIR 17 अगस्त 2022 को होता है। ये FIR CBI द्वारा होती है 17 अगस्त 2022 को और एक्साइज पॉलिसी 31 जुलाई 2022 को वापस लिया जाता है। अब ये टाइमलाइन मैंने बताया, अब असली मुद्दे पर आइए। आप देखिए कस्टडी नोट में एक पैरा 2.6 है जिसमें लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजिटल एविडेंस जिसके विषय में हमने पहले बताया था पर हमने कहा कि डिटेल आप बाद में बताएंगे कैसे मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किए गए, लगभग 170 मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किया गया, ये हमने बताया पहले आपको कि 170 मोबाइल फोन किसके थे, 36 ऐसे लोग थे जो एक्यूज थे जिसे मनीष सिसोदिया भी, तो 36 लोगों ने 170 मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किया जो कि लगभग 1.4 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन थे। ये सब विषय हमने बताया है। तो जो 36 लोग थे उसमें मनीष सिसोदिया जो एक्साइज मिनिस्टर थे उनका भी मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय हुआ है। अब टाइमलाइन आपको याद है, अब मैं आपको इंटरेस्टिंग खुलासा करने वाला हूं। आप लोग इसे दिखाइएगा, मैं दूर से एक झपझप दिखाऊंगा क्योंकि मोबाइल फोन नंबर पर लिखा हुआ है सिसोदिया जी को, जो हम नहीं चाहते हैं पब्लिक हो क्योंकि मोबाइल फोन जो नंबर्स ये प्राइवेट होते हैं। अब मैं कुछ आपको सनसनीखेज खुलासे करूंगा। मनीष सिसोदिया जी इनका मोबाइल नंबर 9650101010XX, मैं लास्ट दो डिजिट एक्स एक्स कर दूंगा ताकि ये प्राइवेसी को हम बचा सके, ये हमने मीडिया से ही सीखा है, धन्यवाद। 9650101010XX ये मोबाइल नंबर के मतलब मनीष सिसोदिया जी के पास था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा मोबाइल नंबर वही है मगर 7 बार इंस्ट्रूमेंट बदल दिया गया, 7 टाइम्स उसी मोबाइल नंबर पे इंस्ट्रूमेंट बदला गया। कब बदला गया? आप देखिए मैंने आपको कहा कि जो पहला FIR था इस विषय में वो 22/7/2022 को हुआ, तो 22/7/2022 को जैसे ही FIR हुआ तुरंत
मनीष सिसोदिया जी ने अपना मोबाइल सेट बदला और मोबाइल सेट का जो IMEI नंबर होता है वो नंबर भी बदल गया और वो नया नंबर आया 358592371102399XX। ये जो आपको पता होगा ये IMEI नंबर होता है हैंडसेट का, जो हर हैंडसेट का अलग अलग होता है, ये हैंडसेट है तो इसका अलग IMEI नंबर होगा। तो मनीष सिसोदिया जी ने वो बदल दिया उसी दिन जिस दिन पहला FIR हुआ। अब आप देखिए, मैंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ 17 अगस्त 2022 को पहली बार FIR हुआ, वो भी CBI द्वारा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने उसके ठीक तीन दिन के बाद 17 हुआ तो 20 तारीख को उन्होंने चार बार मोबाइल हैंडसेट बदले। 20 तारीख को मनीष सिसोदिया जी चार बार मोबाइल हैंडसेट बदलते हैं और उस समय में मोबाइल नंबर कोई अलग मोबाइल नंबर था, वो नंबर भी हम आपको बताते हैं 8750902XX। इस मोबाइल नंबर को तीन बार और एक चौथा मोबाइल नंबर है 8447808XX, इस मोबाइल नंबर को एक बार। तो आप देख सकते हैं हैंडसेट चार बार एक ही दिन में चेंज किया गया। आम आदमी पार्टी, आप और मैं सब आम आदमी बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा आम आदमी दिन में चार पांच बार मोबाइल बदलता है? कौन सा व्यक्ति पांच बार दिन में चार बार दिन में अपना हैंडसेट बदल देता है? आप बताइए, ये क्या आवश्यकता थी कि मनीष सिसोदिया जी को एक ही दिन में उनके ऊपर FIR होने के बाद एक ही दिन में चार बार हैंडसेट बदलना पड़ा? मैं बताता हूं, अगर मालूम पड़ेगा कि आपके खिलाफ FIR हुआ है, आप पकड़े गए, तो आप तुरंत क्या करेंगे? आप फोन करेंगे केजरीवाल जी, अब मैं पकड़ा गया, अब मुझे क्या क्या करना है? यस यस, केजरीवाल जी को कहेंगे ऐसा ऐसा करो, डिजिटल प्रिंट मिटाओ और ये सारी चीजें ठीक करो। ये चीजें किसी के संज्ञान में नहीं आना चाहिए, एक मोबाइल फोन बदल दिया गया, क्योंकि वो जरूर केजरीवाल जी से बात किया होगा। दूसरा उन्होंने फोन किया होगा विजय नायर जी को कि विजय नायर क्या क्या ठीक से काम नहीं किया, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में कैसे आ गई, अब कैसे कैसे करना होगा, कौन कौन सी चीजें मुझे बदलनी होगी, क्या क्या ठीक करना होगा? विजय नायर ने कहा सर आप घबराओ मत, हम लोग सब काम पे लग गए हैं, हम सब डिजिटल प्रिंट आने में लगे हुए हैं, जितने भी जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको भी हमने बोल दिया कि आप फोन बदल लो और सारा डिजिटल एविडेंस मिटा दो और आप इस मेरे से बात करने के बाद इसको डिस्ट्रॉय कर देना, तुरंत आप नया हैंडसेट लो। तुरंत विजय नायर से बात हुई, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद आपने स्टिंग ऑपरेशन में देखा होगा अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और मारवा जी, सनी मारवा, इनका सबका स्टिंग ऑपरेशन आया था। अब मुझे नहीं पता, मगर हो सकता है कि उन्होंने बात किया होगा अमित अरोड़ा से, भैया देखो अपना चुप रहना, तुमको भविष्य में कुछ करेंगे, सनी मारवा जी देखो तुम अभी इस पे कुछ मत बोलना, हम सब मैनेज कर रहे हैं। ये चार बात करके उन्होंने चारों हैंडसेट डिस्ट्रॉय किए होंगे। केवल इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कि 12/9/2022, 14/10/2021, 5/9/2022, 5/9/2022, 7/9/2022, 12/9/2022, 6/9/2022 और 19/9/2022, इतनी बार मनीष सिसोदिया जी ने अपने फोन का हैंडसेट बदला है। मैंने तो केवल एक दिन का उदाहरण दिया, मगर ये चार फोन नंबर लिए उन्होंने और चार फोन नंबर के साथ 7+1 8 9 10 11 12 13 14 हैंडसेट मनीष सिसोदिया जी ने 2-3 महीने के अंदर बदल डाले, 14 हैंडसेट। और केवल मनीष सिसोदिया जी नहीं, कैलाश गहलोत जी ने भी, उनका नंबर है 9810073 6XX। कैलाश गहलोत जी GOM के सदस्य थे, जो GOM बनी थी उसे मनीष सिसोदिया जी नंबर एक पे, तो नंबर दो पे कैलाश गहलोत जी, उन्होंने भी तुरंत 24/7/2022 29/3/2022 तीन बार हैंडसेट बदले। सनी मारवा ने 7 बार हैंडसेट बदले, कुलविंदर मारवा ने 3 बार हैंडसेट बदले, विजय नायर जिसका नंबर है 8591822 6XX, इसने भी कम से कम 10-12 बार हैंडसेट बदले। बृंदा पाल सिंह ने हैंडसेट 3 बार बदला है, अमन धल ने 4 बार बदला है,
समीर महिंद्रू ने 4 बार बदला है, नितिन कपूर ने 3 बार बदला है, गीतिका महेंद्रू ने 2 बार बदला है, विभूति शर्मा ने 5 बार बदला है, विनोद चौहान ने 6 बार बदला है, अमित अरोड़ा जो अरेस्ट हुआ है जिसके विषय में अभी हम बता रहे थे, ये रिमांड नोट उसी पे है, कुल मिलाकर के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार उसने बदले हैं 4 मोबाइल नंबर के साथ। साहिल अरोड़ा ने 4 बार बदला है, सुरजन रेड्डी ने 3 बार बदला है, दीप मल्होत्रा ने 2 बार बदला है, बाकी नाम मैं नहीं पढ़ रहा हूं। इस प्रकार से 36, मैंने आपको शुरू में बताया था, 36 ऐसे लोग हैं जिनके यहां मोबाइल नंबर है, मैं अच्छे से नहीं दिखा रहा हूं ताकि मोबाइल नंबर आप ना नोट कर ले, 36 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोबाइल हैंडसेट रह रह करके एक दिन में कई कई बार बदले। आप जो हिंदी पिक्चर में देखते थे ना कि ये जो गलत काम करने वाले लोग होते थे, मैंने कई हिंदी पिक्चरों में देखा, तुरंत एक रैंसम कॉल करते थे, 10 करोड़ रुपए पहुंच जाने चाहिए, 100 करोड़ रुपए पहुंच जाने चाहिए, तुरंत चिप निकाल करके तोड़ देते थे और फोन को फेंक देते थे डस्टबिन में। ये केवल मूवीज की बात नहीं है, ये मूवी में होती हुआ ऐसी बात नहीं, जो हमने मूवीज में देखा था विलियन जो करता है, ठीक उसी प्रकार से मनीष सिसोदिया जी ने अपने मोबाइल के साथ किया है। मैंने नंबर डिस्क्लोज नहीं किया है, मगर XX करते हुए जो इन्होंने घिनौना हरकत किया हुआ है वो आपके सामने मैंने पूरा का पूरा रखा है। और आपको मैंने कहा था कि मनीष सिसोदिया जी ने लीक भी किया है, ये देखिए व्हाट्सएप की चैट यहां पर है, एक्साइज पॉलिसी को किस तरह से लीक किया गया, डिस्ट्रॉय करने के बावजूद भी जो हमारे फोर्सेस हैं, जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज हैं, उन्होंने ये रिट्रीव किया है। तो कुल मिलाकर के आज मैं, जहां तक मनीष सिसोदिया जी का सवाल है, मैं कंक्लूड करूंगा पीसी को इतना कहते हुए कि ये तो शुरुआत है। मनीष सिसोदिया जी का दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में इतना बड़ा हाथ है कि केवल हाथ ही नहीं है, सर भी है, हाथ भी है, पैर भी है, और पैसा उनके उधर में गया है तो पूरा शरीर इन्वॉल्व है। ही इज नॉट जस्ट नेक डीप, ही इज कंप्लीटली इन टू द करप्शन ऑफ दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, एंड दैट्स द रीजन एज टू वाई सम अमाउंट ऑफ टाइम हैज लैप्स्ड इन टू इन्वेस्टिगेशन। जब पूरी तरह से आप संलिप्त होते हो और इतने तार होते हैं कि वो तार नहीं वो सर्किट होता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके इन्वेस्टिगेशन में और उसके एंड तक पहुंचने में वक्त लगता है। ये वेंडेटा की कोई पॉलिटिक्स नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा, दिस इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइनलिटी। ये जांच है एक नतीजे तक पहुंचने का, और जो लगभग 3,000 करोड़ रुपए जनता जनार्दन का बर्बाद हुआ है उसे रिकवर करने का और जनता को न्याय दिलाने का। इसलिए ये जो केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी कहते हैं घर से कुछ नहीं मिला, सीबीआई ने और ईडी ने हमें क्लीन चिट दिया है, ये क्लीन चिट नहीं है। ये ध्यान से देखिए केजरीवाल जी, दिस इज नॉट क्लीन चिट, दिस इज नॉट अ सिंगल चिट, दिस हैज 32 पेजेस, इस पे 32 पन्ने हैं, और 32 पन्ने पर मनीष सिसोदिया जी के उंगली के निशान है, क्राइम के निशान है, भ्रष्टाचार के निशान है, सबूत है, और कोई भी शक्ति मनीष सिसोदिया जी को बचा नहीं सकती है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और भ्रष्टाचार से हिंदुस्तान के कानून से कोई नहीं भाग सकता है। इतना कह के मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा, कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। देखिए आदरणीय खड़गे जी को मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं, अब पछताए हो तो क्या जब चुड़िया चुग गई खेत। आपको अगर लग रहा है कि हम राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप रावण बोलते ही नहीं प्रधानमंत्री जी को, आप गाली देते क्यों हैं, आप गाली देते क्यों हैं और बाद में एक्सप्लेनेशन क्यों देते हैं। गाली ही मत दीजिए तो एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा, और ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब कोई चीज बार बार हो तो वो कोइंसिडेंस नहीं, वो डिजाइन होता है। व्हेन समथिंग हैपेंस रिपीटेडली इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स अ डिजाइन। जब मौत का सौदागर कहा जाता है, दुर्योधन कहा जाता है, कॉकरोच कहा जाता है, चोर कहा जाता है, और उसके बाद रावण और भस्मासुर कहा जाता है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है।
ये एक डिजाइन है जो कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बार बार कर रही है, एक गुजराती के खिलाफ बार बार कर रही है। देखिए कम से कम राहुल गांधी जी अब भगवान श्री राम का नाम तो लेने लगे, ये कितनी बड़ी बात है। जो पॉलिटिकल पार्टी पहले एफिडेविट देकर कहती थी कि राम का नाम उसका कोई अर्थ नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टी एफिडेविट देकर कहती थी कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टी पहले कहती थी कि राम काल्पनिक है, वो आज भगवान राम का नाम ले रही है। यही तो है, मुमकिन हो गया है। आज मोदी है तो मुमकिन है। देश की संस्कृति, देश की सभ्यता के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप यही वो राहुल गांधी है और यही वो कांग्रेस पार्टी है, यही वो सोनिया जी है जिनको 3 दिन तक नींद नहीं आई थी क्योंकि आतंकवादी मारे गए थे बाटला हाउस एनकाउंटर में। अब अचानक सब कुछ ठीक होने लगा है, इनको अचानक सब कुछ दिखने लगा है, तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज देश महसूस कर रहा है कि देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलने वाली। देखिए ये सब बौखलाहट की बाणी है। कांग्रेस पार्टी गुजरात में जिस प्रकार से रिकॉर्ड स्थापित करने वाली है, जो लोएस्ट था उनका उससे भी कम सीट जीत करके, सबसे कम सीट कांग्रेस इतिहास में कभी गुजरात में जीतेगी तो इस बार होगा। तो ये बौखलाहट है। स्वाभाविक रूप से एक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बनाने वाली है, हम अपने रिकॉर्ड को खुद तोड़ने वाले हैं, प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे, तो स्वाभाविक रूप से ये एक बौखलाहट है। लेडीज फर्स्ट। See, this is what the Congress party is. While at one end we have a fake Bharat Jodo Yatra, which Mr. Rahul Gandhi is undertaking, but on the other hand, we have a Congress Todo going on. Bharat Todo to wo pehle se hi kar rahe the, but now they have ultimately reached a Congress Todo program within the Congress itself. Humne abhi dekha jo aapne kaha Dipender ji aur Sandeep Dixit ji ke beech mein jis prakar ki ladai ho rahi hai Sheila Dixit ji ko lekar. और दूसरा सबसे बड़ी बात है, आपने निकम्मा नकारा गद्दार ये शब्द भी सुने हैं राजस्थान में एक दूसरे के, द बाब्स दैट वर बीइंग हर्ल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर फॉर सचिन पायलट। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को चिंता करना चाहिए, ये निकम्मा नकारा से उनको सकारा होना चाहिए, कुछ सकारात्मक काम करे, केवल एक दूसरे को निकम्मा नकारा कहकर के ये कहीं ना कहीं अपने असलियत को उजागर कर रहे हैं। यस पवन जी। देखिए स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी और यूसीसी वो चाहती नहीं है कि इस देश में यूसीसी हो, वो तुष्टिकरण की राजनीति को आगे बढ़ाती है, इसी कारण से आरिफ मसूद जी का इस प्रकार का बयान है। पहले भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जो तुष्टिकरण से भरे हुए थे। जहां तक यूसीसी का सवाल है, बड़े स्पष्ट रूप से आदरणीय गृहमंत्री जी ने भी और हमारी सरकार ने बोला है कि आफ्टर ड्यू डिलीवरेंस सबके साथ बातचीत करने के बाद इस विषय को आगे लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।